वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन टू से जो बड़ी वैकेंसी निकल के आई हुई है उसी के रिगार्डिंग हम फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सभी को बता दूँ ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी एस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि अप्लाई करने के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा उसके बाद पे स्केल क्या रहेगा देन वैकेंसीज कितनी आई हुई है देन एज लिमिट क्या रहेगा देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देन एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा देन सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा देन स्टेजेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन यानी कि कौन कौन सी स्टेज से होकर फाइनली आपको जॉब मिलेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट डेट्स बता दूँ जैसे कि देख सकते हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वन एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेवन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि एक अगस्त 2020 से लेके सात सितंबर 2020 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम का डेट रहेगा 27 सेवन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर्टीन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि सत्ताईस नवंबर 2020, 27 .2020 से लेके 14 चौदह दिसंबर 2020 के अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी नेक्स्ट पे स्केल क्या रहेगा जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल लेवल थ्री ट्वेंटी वन थाउजेंड हंड्रेड टू सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड आपका पे स्केल रहेगा वैकेंसीज वैकेंसीज कितनी आई हुई है जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज फाइव थाउजेंड एट जो कि है टोटल वैकेंसीज कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए टोटल पोस्ट आई हुई है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी थ्री एंड कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स के लिए आई हुई है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स पोस्ट कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा थ्री पॉइंट टू के लिए आई हुई है टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री पोस्ट एंड फाइनली कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए आई हुई है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पोस्ट ये सभी पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है जैसे कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं ये फॉर्म कोई भी इंडियन सिटीजन यानी कि कोई भी भारत के निवासी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट एटीन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स यानी कि 18 से 25 वर्ष के भीतर कोई भी भारतीय ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरी का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं एस सी एस टी के लिए फाइव ईयर्स ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स एंड अदर रिलैक्सेशन आप यहाँ पे लिस्ट के रिगार्डिंग देख ही सकते हैं नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका क्वालिफिकेशन सेवन नाइन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सात नवंबर दो हजार बीस के रिगार्डिंग टेन प्लस टू यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलेक्सेबल फॉर द यानी कोई भी क्लास ट्वेल्व पास कैंडिडेट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो पासिंग का डेट होना चाहिए वो सेवन नाइन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी के अंदर होना चाहिए और एक बात जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट मट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एल एम बी मोटरसाइकिल और कार यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी रहेगी नेक्स्ट एप्लीकेशन फी जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं फी पेबल रुपीस हंड्रेड ओनली यानि कि जो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी जो है उन सभी को हंड्रेड रुपीस पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी के तौर पे जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेमेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी यानी कि कोई भी महिला है या फिर एससी कैंडिडेट्स या फिर एस कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन को कोई भी फी पे करना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट सेंटर्स जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं रीजन वाइज सेंटर यहाँ पे दिया गया है जैसे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में मैं दिखा दिखा दूँ आप सभी को अंदमान एंड निकोबर आइसलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल इसी तरीके से आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आप सभी को नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आप सभी को मैं बता दू ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और हंड्रेड क्वेश्चंस रहेंगे एंड हंड्रेड मार्क्स ओके गाइस और ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगी यानी कि मल्टीपल चॉइस ओके गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ पार्ट ए यानि कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से फिफ्टी क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स इज फिफ्टी पार्ट बी रीजनिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स ट्वेंटी फाइव पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स देन कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स एम एस एक्सएल एम एस वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट डब्ल्यू डब्लू डब्लू एंड वेब ब्राउजर सेक्ट्रा टेन क्वेश्चन और ड्यूरेशन यानी कि आपको समय मिलेगा नाइनटी मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा और हंड्रेड यानी कि सौ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे ओके okay, गाइज और एक बात मैं आप सभी को बता दू इसमें जीरो पॉइंट टू फाइव का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा सो वेरी केयरफुल नेक्स्ट मोड ऑफ सेलेक्शन तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सी बी ई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा देन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा देन फाइनली आपका सेलेक्शन हो जाएगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो दो लैंग्वेज में होगा जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी ऑनली ओके गाइस तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर जय हिंद